गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु मेरे चंद्रमा मैं हूँ चित्त चकोर आठ पहरे निरखत रहूं श्री गुरु मूरत की ओर कबीरा गुरु चरणन की ओर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज परम योगेश्वर मान विभूति ब्रह्मनिष्ठ परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव जी महाराज उपस्थित परम पूज्य संत वृंद एवं सतगुरु की प्यारी संगत। गुरु पूर्णिमा के इस पावन महोत्सव पर सतगुरु बंदी छोड़ महाराज के इस पवित्र आंगन में अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष मेरा सारा गुरु परिवार उपस्थित हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इतने भाव लिए अपने दर्शनों का चाव लिए श्रद्धा का भाव लिए आप कई दिन से और या फिर आज आकर अपने गुरु चरणों में हाजिरी लगाई है तो आपका बहुत धन्यवाद है। जिसने भी जीवन में गुरु दीक्षा ली है तो इस दिन अपने गुरु महाराज के दर्शन करने इनके चरणों में भेंट चढ़ाने और इनकी वाणी श्रवण करने इनके चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करना प्रेम भाव प्रकट करना ये बहुत जरूरी होता है। वैसे तो ये सारे जगत को देने वाले हैं, हम अकिंचन जीव अपने गुरुदेव को क्या भेंट कर सकते हैं। सारे जगत को देने वाले तुमको क्या मैं भेंट चढ़ाऊं, जिनके नाम से आए खुशबू उनको क्या मैं फूल चढ़ाऊं। आज मैं यही सोच रही थी कि हमारे पास तो अपने गुरुदेव को चरणों में अर्पित करने के लिए कोई संसार की ऐसी वस्तु है ही नहीं, ये तो स्वयं ऐसे पुष्प हैं जिनके अंदर से प्रेम की भाव की साधना की सुगंध उठती रहती है। तो इसलिए गुरु का अर्थ होता है जो हम संसार के अज्ञान के अंधेरे से निकाल कर और प्रकाश में परमात्मा का रास्ता दिखाते हैं। देखिए ईश्वर की दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक बिंदु सृष्टि एक नाद सृष्टि। बहुत ध्यान से सुनिए, बिंदु सृष्टि माता पिता के रज वीर्य के संयोग से हम सब काम की उपज हैं, लेकिन एक नाद सृष्टि होती है जो आध्यात्मिक और दिव्य तरंगे होती हैं। वो सृष्टि इन संतों की होती है और जो इस भौतिक बिंदु प्रकृति से ऊपर उठकर उन आध्यात्मिक तरंगों को पकड़ ले तो वो जीव देह अध्यास से पार होकर छलांग लगा सकता है उस परम नाद परमात्मा के लोक में। इसलिए हम आज जितने भी बैठे हैं अपने गुरु के नाद बेटे बेटियां हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता गुरु से हृदय का है। माँ पेट से जन्म देती है, गुरु हृदय से जन्म देते हैं। इसलिए शिष्य को द्विज कहते हैं, पक्षी को भी द्विज कहते हैं। एक अंडा होता है एक जन्म, फिर अंडे से बाहर आता तो दूसरा जन्म। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होता है एक ही द्वार से, लेकिन जब गुरु पैदा करते हैं हृदय को हृदय से शिष्य को तो उसको द्विज कहा जाता है। इसलिए वो ब्रह्म बना देता है ऐसे तुच्छ जीवों को भी। तो हम ज्ञान अर्जन के लिए सदगुरु के चरणों में आते हैं और शास्त्रों में बताया एक सदगुरु के चरणों में कैसे जाना चाहिए। गीता में भगवान चौथे अध्याय में फरमाते हैं, तद्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन है। जब भी आप अपने गुरु के चरणों में जाएं, सबसे पहले उनके चरणों में दंडवत करें, फिर सेवा करें और फिर बैठकर चरणों में विनम्रता से प्रश्न पूछे। वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म वेता महापुरुष आपको खुश होकर वो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको पाकर ये जीव मुक्त को प्राप्त मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान कौन पाता है,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसेत इंद्रिय है, यानी जिसके अंदर श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर इस ज्ञान से होता क्या है? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में ही विद्यते है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं है। बाहर से गंगा में स्नान करके पवित्र हो सकते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे जो मैल है वो तो एक गुरु धो सकता है। इसलिए गुरुदेव हम सब आपके चरणों में भाव स्नान करने आए हैं, हमारा भी मैल धो देना। इतनी हजारें आंखें अपने गुरुदेव को कितनी भाव प्यार दृष्टि से आज निहार रही हैं, तो मैं अपने प्यारे गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करूंगी, एक बार आप भी अपने सब बच्चों पर दृष्टि डाल देना। देखो आपको सब देख रहे हैं, एक बार आप भी ये पावनी दृष्टि डाल दें, क्योंकि मेरे गुरुदेव ऐसे साधक हैं और ऐसे भजनानंदी महापुरुष हैं। मैं तो अपनी पूरी गुरु परंपरा को वंदन करती हूँ, जा आद अनादि सतगुरु कबीर साहब छुड़ानी धाम की उस पावन धरा पर प्रकट होकर बाबा गरीबदास जी को दीक्षा देकर गए, और वही दीक्षा परंपरा हमारे नाद परंपरा में चली आ रही है। मेरे गुरुदेव की नाद परंपरा जिसमें ब्रह्मानंद जैसे महापुरुष जो सदगुरु के वाणी का प्रचार करते थे, ऐसे ज्ञानी महापुरुष स्वामी चिदानंद जी महाराज जो कि बहुत विद्वान महापुरुष थे, और मेरे दादा गुरु प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो बहुत बड़े योगी पुरुष थे, और उन्हीं मेरे दादा गुरु के एक निष्ठ अकेले इस वस्त्रों में, त्याग वस्त्रों में, इन अग्नि वस्त्रों में परम पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान मेरे प्यारे गुरुदेव महर्षि गंगादास जी महाराज हैं, जिस जो कि नादी धारा के दसवें गद्दी आसीन है। तो मैं तो कोटि कोटि वंदन करती हूँ गुरुदेव के चरणों में कि आप उसी दीक्षा परंपरा को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, वही रहस्य समझा रहे हैं जो आपसे पहले महापुरुषों ने साधना की और करवाई। कौन सी साधना? मंत्र साधना, शब्द साधना। इस संसार में आप यंत्र से शक्ति के द्वारा मंगल ग्रह पर पहुंच गए, बुध पर चले गए, चंद्रमा पर चले गए, और यंत्र शक्ति के द्वारा सागर में पनडुब्बी से गोता लगा सकते हैं, लेकिन आज तक यंत्र शक्ति से कोई भी अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाया है। और सबसे कठिन है इस दुनिया में अगर कोई काम है तो अपने भीतर ही प्रवेश करना। कैसे होगा? मंत्र के द्वारा और गुरु की कृपा के द्वारा, ऐसी युक्ति बताते हैं। इसलिए उस मंत्र का जरूर सुमरण करिए, यही हमें पार लगा सकता है। और नहीं करेंगे ना तो पता आपको गुरु पर भार होता है। एक बार एक शिष्य को गुरु महाराज ने मंत्र दिया, बेटा सुबह 2:30 बजे और 2.5 घंटे बैठकर सुमरण करना इसका। ठीक है गुरुदेव, लेकिन थोड़े दिन किया फिर आलसी हो गया। एक दिन उसके मन में आया, हमारे को तो बता दिया नियम गुरुदेव ने, क्या खुद भी करते हैं? जब गुरु महाराज रात को सोने लगे तो उनके कमरे की खिड़की के पास छिप कर खड़ा हो गया। जब 9:30 बजे गुरु महाराज बाहर से निवृत्त होकर अंदर गए तो क्या देखता है वो, गुरु महाराज एक पैर पर खड़े होकर साधना कर रहे हैं। 3 घंटे खड़े रहे तो उस युवक को नींद आ गई, उसकी नींद खुली 3 बजे, फिर उठकर देखता तो गुरु महाराज अब दोनों पैरों पर खड़े होकर साधना कर रहे हैं। फिर उसको नींद आ गई, फिर 4 बजे खुली, फिर देखा गुरु महाराज बैठकर साधना कर रहे हैं। प्रातः हुआ 6 बजे, कमरे से निकले गुरु शिष्य, सैर करने निकले। उस शिष्य ने कहा, गुरु महाराज एक बात पूछो, मैंने चोरी की, आपको छिप कर देखना चाहता था कि हमें ही नियम देते या आज आप भी करते हैं, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप 1 बजे तक तो एक पैर पर, 3 बजे से तक 2 पैरों पर, और फिर बैठकर साधना कर रहे थे, उसका क्या रहस्य था? गुरु महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, जिन भी शिष्यों को मैंने मंत्र दिया है और वो करते हैं नहीं, तो एक पैर पर खड़े होकर तो उनके लिए साधना करता हूँ। कुछ शिष्य ऐसे हैं, कभी कर लेते कभी नहीं करते, वो उनके लिए मैं दोनों पैरों पर खड़ा होकर करता हूँ, और बैठकर मैं अपने लिए कि जिस गुरु ने मुझे दीक्षा दी है उनको जवाबदारी परमात्मा को देनी पड़ेगी, इसलिए मैं अपने गुरु की ऐसी जवाबदारी नहीं चाहता हूँ, ये मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूँ। अब आप सोचते होंगे अरे मजा आ गया,
अब हमें तो करने नहीं, गुरु जी करेंगे हमारे लिए। तो एक पैर मत पर मत खड़े कर देना अपने सदगुरु को, जो दीक्षा दी है उसकी जवाबदारी देनी पड़ेगी। इसलिए कबीरा सोता क्या करे, जागण की कर चौपे, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंपे। आपको बाहर के मोती नहीं चाहिए, गुरुदेव को मणिये नहीं चाहिए, और कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। जो श्वासों की लड़ी है अंदर बाहर जाती है 24 घंटे में 21,600 श्वास, कहते ये लाल है, ये गिन गिन के एक एक श्वास में नाम के मोती पोदो और यही गुरु के चरणों में सौंप दो। ये असली बंदगी है और असली पूजा है अपने गुरु की, क्योंकि सदगुरु ही हमें संसार सागर से पार लगा सकते हैं। नहीं तो इस भव सागर के कोई ऐसा खवैया नहीं है जो हमें पार कर दे। बाबा जी वाणी में लिखते हैं, ग्रीव ऐसा सदगुरु हम मिला भव सागर के माही, नौका नाम चढ़ाए करे ले रखे निज ठाई। बाबा गरीबदास जी गुरुदेव के अंग में बहुत महिमा गा रहे हैं अपने गुरु की। इस संसार सागर में ऐसे सदगुरु मिले, नाम की नौका में बिठाकर अपने ठाम में ले गए। लेकिन एक निष्ठा श्रद्धा अपने गुरु पर होनी चाहिए। कैसे, एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, कुछ शिष्य बैठे थे, तो एक तीर्थ यात्री आया, सत्संग के बाद कहा कि आप सब शिष्यों को तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करते हैं, बाहर घूमने जाया करो, वहां पर कल्याण होता है। शिष्यों ने गर्दन पकड़ के गुरु के चरणों में उस व्यक्ति की रख दी, कहने लगे 68 तीर्थ गुरु चरण पर भी होत नहान। अरे पगले, सारे तीर्थ तो मेरे गुरु के चरणों में है। लेकिन गुरु महाराज ने परीक्षा लेनी चाहिए उन शिष्यों की, एक निष्ठा की। कहने लगे जा बेटा, एक को खड़ा कर दिया इस यात्री के साथ, तीर्थ यात्रा करके काशी जगन्नाथ रामेश्वर मक्का में जा। ठीक है गुरुदेव। और वो गया काशी प्रयाग जगन्नाथ धाम यात्रा करके मक्का जा रहा था। जब समुद्र में समुद्री जहाज में बैठा था उस यात्री के साथ, अचानक तूफान आता है, जहाज दो टुकड़ों में टूट जाता है, डूबने को होते हैं। इतने में वो अपने सदगुरु को याद करता है, सागर से एक हाथ बाहर की तरफ आता, आकर कहता है मैं तुझे बचा सकता हूँ। उस युवक ने कहा आप कौन है कि आप मक्का जा रहे हो, मैं पैगंबर हूँ। उस शिष्य ने कहा मैं भले ही डूब जाऊं लेकिन मेरे गुरु हाथ पकड़ाएंगे, मैं तो तभी हाथ किसी को दूंगा, मैं किसी पैगंबर को नहीं जानता। हाथ अंतर ध्यान हो गए, फिर एक हाथ निकला कि चाहो तो मैं आपको बचा सकता हूं डूबने से। उस शिष्य ने कहा आप कौन है कि मैं परमेश्वर हूं। कहने लगे मुझे जरूरत नहीं है, मेरे गुरु अगर बचाने आएंगे तो हाथ पकड़ूंगा, और किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। हाथ फिर अंतर ध्यान हो गया, फिर थोड़ी देर में देखते दोनों हाथ निकलते हैं। शिष्य ने पहचान लिया कि एक हाथ दुनिया देती है, कभी भी छुड़ा सकती है, लेकिन जब भी कोई बचाएगा तो सतगुरु दोनों हाथों से बचाते हैं। पहचान गया आप कौन, आवाज नहीं आई, हाथ पकड़ लिया तो देखा गुरु ही सारी लीला रच रहे थे और गुरुदेव उनके प्रकट हो गए। कहेंगे बेटा मैं आपकी निष्ठा देख रहा था। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर काल के माथे पाम दे सतगुर के उपदेश, सास सतगुर अंक पसारिया ले चाले अपने देश। सतगुर तो दोनों भुजाओं से बचाते अपने शिष्य को, क्योंकि सहजो बाई भी कहती है राम तजो पर गुरु ना बिसारो, गुरु सम हरि को नहीं निहारू। हरी ने भ्रम जाल में डे गेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हरी ने भ्रम करम उलझायो, गुरु जोगी कर सभी छुड़ायो। तो परमात्मा तो बंधन में डालता है लेकिन सतगुरु आकर छुड़ाते हैं। इसलिए बाबा गरीबदास जी ने वाणी में अपने सतगुरु को पूर्ण परमात्मा कहा, और यही भाव हमारा होना चाहिए। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख है, सतगुरु रमता राम है या मैं मीनन मेख। मीन मेख का मतलब है इतनी सी कमी मत निकालना, मीन मेख नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कैसे, अगर कोई भाव से पुकारता है तो ये अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित करते हैं। मुझे 20 साल पहले गुरुदेव जी ने सतगुरु भूरी वाले महाराज की जीवनी दी थी,
बहुत ही सिद्ध महापुरुष हुए हैं पंजाब की धरती पर, और सदगुरु में बहुत अटूट निष्ठा थी। उस समय पंजाब में उनके रगबा गांव में एक शिष्य थे काकू सिंह, तो सदगुरु की सेवा करने जाते थे। समय व्यतीत हुआ, बुजुर्ग हो गए, बीमार हो गए, खटिया पर पड़े हैं और रो रहे हैं कि पता नहीं कब प्राण पखेरु हो जाएं। बेटे को बुलाकर कहा, मुझे एक बार मरने से पहले मेरे सदगुरु भूरी वाले के दर्शन करवा लाओ। उसने कहा, पता नहीं कहाँ होंगे महाराज, तो रमता राम है, तू खटिया में पड़ा है, सारी उम्र उसके साथ जाता रहा, अब बुला लेना अपने गुरु को। तू कहता है ना मेरा गुरु परमात्मा है, अब पता चलेगा आपके गुरु परमात्मा है। ताना मारा, मैना मारा खटिया में पड़े हुए रोते हुए काकू सिंह पर, तो काकू सिंह रोने लग गया कि आज मुझे लगता है रात को प्राण निकलेंगे। सदगुरु को पुकारा, हे बंदी छोड़, ये मेरा मैना मारा है, जहां भी हो मैं आ नहीं सकता, सदगुरु आप तो आ सकते हैं। रोते हुए पुकार करता है, कद आओगे रघुवरे मेरे, ओ कब आओगे, सुन रे कपि करता सो कहिए, वो रावण है सिरे, ग्रीब दास सीता सतवंती, लागी निरत कंडेरे, बताओ कब आओगे। वो सदगुरु की बाणी गाने लग गया। उस समय भूरी वाले देहड़ू गांव में थे, वहां से 40 किलोमीटर दूर रात को अचानक उठते हैं कमरे में, अपना खूंटा हाथ में उठाया, भूरी लोई कंधे पर डाली और चल रही। शिष्य कहने लगे, महाराज आधी रात के समय कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे, मेरा काकू सिंह मुझे पुकार रहे, हमें वहां जा रहा हूँ। सदगुरु वहां पहुंचे और फिर रात को कुंडा खटखटाया। घर वालों ने सोचा ये बीमार है, कोई पड़ोसी पता करने आया होगा और वो रो रहा है। कुंडा खटखटाते ही और वो गाने लग गया, काकू सिंह, मेरे आगे भूरी वाले, मेरे आगे सतगुर प्यारे। कोई पड़ोसी नहीं आया, जरूर मेरे सतगुर आए हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। और जब खोला तो देखा सतगुर खड़े हैं। बोल काकू सिंह, किस लिए याद किया, क्या मांगना चाहता है? रोने लग गया और कहने लगे, सिराने खड़ा हो गया, सदगुरु हो सकता है मेरा अंतिम समय है, आपके दर्शनों की इच्छा थी। मांग काकू सिंह क्या मांगता है, कि संसार का कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम समय। जदों मेरा दम निकले सिरे चरना उते होवे, जदों मेरा दम निकले सिरे चरना उते होवे, जब मेरा प्राण निकले बस आपके चरणों में मेरा सिर हो। बाबा भूरी वाले चार पाई की तरफ गए, उसका सिर उठाया, सदगुरु ने अपनी गोद में रख लिया, प्रणाम किया, तीन बार सत्साए सिर पर हाथ रखा और काकू सिंह को मुक्ति दे दी, अपने सतलोक धाम में भेज दिया। और भूरी वाले फिर वापिस आ गए। तो ऐसे ऐसे सिद्ध संत हमारी इस गरीबदास परंपरा में हुए हैं। यहाँ प्रमाणित करके दिखाया कि गुरु में निष्ठा हो तो वो पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। इसलिए हमारी तो ये प्रार्थना है, गुरु की याद में बीते ये जिंदगी और साहेब को कबूल हो हमारी ये बंदगी। बस गुरु की याद रहे, इस बंदगी को सदगुरु बंदी छोड़ हमेशा अपने चरणों में कबूल करें। और ये धरती तो भारत की ऐसी पावन है, पूरा विश्व इसका अनुसरण करता है, ये धरती विश्व गुरु कहलाती है। जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आया, उनके गुरु अरस्तु ने कहा, सुकरात ने कहा था, हिंदुस्तान जा रहे हैं, वहां के महापुरुषों की महिमा सुनी है, मेरे लिए एक सौगात लेकर आना है। सिकंदर ने सोचा होगा कोई और बड़ी हीरे चांदी सोने कुछ मंगवाते होंगे, तो क्या कहा सिकंदर ने, कहा सुकरात से हिंद में जाना, हमारे वास्ते भारत से एक सौगात ले आना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना, सीखेंगे हम भी सच्चिदानंद घन उस ब्रह्म को पाना। अगर जा रहे हो तो एक संत लेकर आना, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान देते हैं, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। फिर कहने लगे,
वहां से बांस की एक बांसुरी साथ में लाना, बजा के हम भी देखेंगे कैसा है वो स्वर मस्ताना। जहां तक हो सके तो ले आना कृष्ण की गीता, सहनसा सिकंदर भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। एक गीता लेकर आना और एक गुरु लेकर आना, इसलिए भारत में गौ, गीता, गुरु और गोविंद और गंगा, इन पांच की हमारे यहाँ पूजा होती है। और सबसे पूजनीय जो श्रेष्ठ हैं, जीवंत रूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, वो गुरु सत्ता है। इसलिए आज हम इस गुरु सत्ता को ही प्रणाम करने के लिए, इनके चरणों में समर्पित होने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बंदी छोड़ का आशीर्वाद आप सब पर रहे और इसी प्रकार हम भाव से गुरुदेव के चरणों में सेवा करते रहें। देखो ये के रिश्ते एक जन्म के होते हैं, लेकिन आपने सुना होगा गुरु का रिश्ता जन्म जन्म का होता है। इसलिए आज थोड़ा सा भाव से पुकारिए, प्रार्थना करिए अपने गुरुदेव से, जन्म जन्म का साथ हो, करिए हाथ ऐसे, जन्म जन्म का साथ हो गुरुवर हमारा तुम्हारा, जब भी जन्म लेंगे जग में होगा साथ तुम्हारा, गुरु जी होगा साथ हम हमारे लिए, तुम हमारे लिए गुरुवर हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, ये अरदास किया करो। ए सदगुरु बस आप हमारे रहें और हम आपके रहें। तो मैं बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करती हूँ अपने गुरुदेव जी के चरणों में। और मैं तो लगता है इस दुनिया की ऐसी सौभाग्यशाली शिष्य हूँ, शायद हजार माताएं मिलकर इतना नहीं सिखा सकती जितना मेरे गुरुदेव अकेले ने मुझे पग पग पर पल पल सिखाते रहते हैं। इसलिए ये महान गुरु हैं, हम शिष्य हैं, जब तक जन्म रहेगा सीखते ही रहते हैं, इसलिए हम शिष्य हैं। इतना कुछ सिखाया है गुरुदेव ने, चलना, उठना, बैठना, बोलना, सोना, जागना, हर क्रिया जो है वो गुरु से ही सीखते हैं। तो मैं बाहर से आए हुए सभी महापुरुषों का भी और सारी संगत का, सेवादारों का और इस परिवार का, जो हमारे बहुत ही पुण्य आत्मा श्री प्रेम कुमार जी शौकीन और आदरणीय बहन सरोज देवी, जिनका ऐसा शुभ संकल्प हुआ कि गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और हमारा एक पोता का जन्म हुआ था भरत कुमार का, उसके उपलक्ष में भी ये प्रोग्राम हो। तो आपके दोनों बेटे, पुत्र वधु, बहने, भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र प्यारे, आपके भाई भाभी मुड़लाना से भी, छावला से भी, और सदगुरु की सारी संगत यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो गुरुदेव नियम देते हैं, मर्यादाएं बताते हैं, साधना बताते हैं, तो हमने उसका अनुसरण करना है, अपनी गुरुदेव की मर्यादाओं पर रहना है। ऐसा कोई गलत कार्य हम ना करें जिससे हमारे सदगुरु पर उंगली उठे। इसलिए भजन करिए, सेवा करिए, सुमरण करिए, और जब भी सत्संग होता है, वैसे आप आते ही रहते हैं, हमारी ऐसी प्यारी संगत है, तन मन धन से सेवा करती, इस आश्रम की सारी व्यवस्था हमारे बहुत प्यारे ट्रस्टी हैं, सारे सारी व्यवस्था को संभालते हैं, या गौशाला की सेवा है, या औषधालय चल रहा है, या भोजन भंडारा है, या फिर कोई और सेवा है, वो सारी की सारी हमारी सारी संगत ही करती है, जो सारा सालाना खर्चा होता है। तो आप बहुत ही बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अभी एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे गए भाव से आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु भागे हमारे आज हुए गुरु दर्शन, ऐसे सतगुरु के धने भागे हमारे आज हुए शुभ दर्शन, ऐसे सतगुरु
छे पावन कीने भारत भूमि बलिहारी ऐसे सतगुरु के पावन कीने भारत भूमि बलिहारी ऐसे आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे गुरु गुरुदेव की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बलिहारी ऐसे गुरु की आनंद ही आनंद बरस बोलिए सतगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की जय सत साहे। और आप सबका तो मैं बहुत विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी, इतनी गर्मी में आप इतनी शांति से और आनंद से चाव से सत्संग सुनते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने गुरुदेव जी के चरणों में इस गुरु पूर्णिमा पर कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी।